हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी से द्वाराहाट की तरफ। सामान अपना फिट हो चुका है, टैंक हमने कल शाम को ही फुल करा दिया था और सुबह के बज रहे 6 और हम लोग टाइम से निकल रहे हैं क्योंकि एक तो सुबह का सफ़र अच्छा होता है और दूसरा कैची में आजकल बहुत जाम लग रहा है, तो टाइम से अगर हम उसे क्रॉस कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सुबह सुबह निकलना ही एक बेस्ट ऑप्शन है राइड के लिए क्योंकि आजकल गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं बट धुएं से अच्छे से दिख भी नहीं रहे। तो 120 किलोमीटर का आज का हमारा सफ़र होने वाला है, लगभग 3-3.25 घंटे का टाइम लग जाएगा द्वाराहाट पहुंचने में। तो अलविदा करते हैं हल्द्वानी काठ गोदाम को और शुरू होता है यहाँ से अपना पहाड़ों का सफ़र। तो लो जी, भीमताल में अपनी एंट्री हो चुकी है और भीमताल को देख के एक अलग ही ताजगी आ जाती है, क्या बात है। गाइस गाइस गाइस, देख सकते हो आप भीमताल का पानी कितना सूख चुका है भाई। ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, काफी पानी सूख चुका है भीमताल का, नहीं तो यहाँ तक एरिया पूरा डूबा रहता है, पता होगा आपको, बट बहुत ज्यादा सूख गया है। इतनी गर्मी पड़ रही है भाई। इसी के साथ पहुंच गए हम भवाली में और कैंची धाम है यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर। बाबा नीम करोरी महाराज जी का आश्रम स्थल मंदिर और जाम भी वहीं मिलेगा हमें और किस्मत सही रही तो हम निकल जाएंगे बिना जाम के। तो गाइस, आ चुके हैं हम कैंची धाम में, बाबा नीम करोरी जी की आश्रम तपस्थली या कहिए मंदिर। तो फिलहाल इधर कोई जाम जैसा मौसम बना नहीं हुआ है। तो गाइस, जाम का नाम लिया था और इधर जाम मिल गया हमें। तो भाई साहब, यहाँ से अभी अभी पत्थर गिरे हैं, देखो बता रहे हैं सब भाई लोग। अभी अभी हुई है थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग। लो जी, खैरना भी पहुंच गए और यहाँ से है रानीखेत 31 किलोमीटर। रानीखेत से है फिर द्वाराहाट लगभग 30 किलोमीटर और, यानी कि 60 किलोमीटर का रन अभी और है। तो पहुंच गए हम रानीखेत के आर्मी ग्राउंड में और काफी ज्यादा धुआं हो रहा है इधर, हर जगह पहाड़ों में आग लगी हुई है और धुएं से आंखों में हो रही है खूब सारी जलन।
ये है घिंगारी खाल, द्वाराहाट है यहाँ से 29 किलोमीटर। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम द्वाराहाट, और 3 घंटे का ये सफ़र 120 किलोमीटर। और ये देखिए बहुत ही प्राचीन महामृत्युंजय मंदिर, द्वाराहाट में ऐसे प्राचीन मंदिर बहुत है, तभी इसे द्वारिका नगरी भी कहते हैं। और द्वाराहाट में हो चुकी है हमारी एंट्री, आज का सफ़र यहीं तक, और कल हम निकलेंगे यहाँ से सीधा बद्रीनाथ धाम की तरफ, और साथ में होंगे सोंटी भाई अपने बगीरा राइडर।